नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी। केरल से लेकर आसाम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, और पुडुचेरी भी मत भूलिए। क्या कह रहे हैं ये राज्य और उन राज्यों के नतीजे। लेकिन इसी के साथ दिलचस्प ये भी है कि बीजेपी ने अभी से ही असम के नाम पर अपनी पीठ खूब थपथपा ली। और क्यों ना थपथपाए, पहली बार पूर्वोत्तर में। क्या ये पूर्वोत्तर से कांग्रेस की विदाई के संकेत है? ये रंग भगवा क्यों है आपके कुर्ते का? कब, अब रंग में भी आप भंग डालेंगे तो ठीक बात नहीं है। पार्टी का रंग मत बताइए। देखिए, पहला मौका आया है जब कहते हैं कि बिहू त्योहार जो होता है वो नए बरस का आगमन भी है, माघ, कार्तिक, बैसाख, लेकिन मई का महीना इन तीनों से इतर है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए एक ऐसा मौका है जिसमें बीजेपी से ज्यादा महत्वपूर्ण आरएसएस के लिए है, क्योंकि आरएसएस का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एंट्री असम से शुरू होगी और इसका प्रयास वास से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से कर रही थी, इसलिए जीत है। बिल्कुल, और केरल में वोट परसेंटेज बढ़ना है, इसको संघ का जमीन पर मौजूद होना माना जा रहा है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमने असम टी स्टॉल को कमल टी स्टॉल कर दिया है। पहली बार कमल का खिलना। राजनीतिक रूप से इसे देखिए तो दो साल के मोदी के कामकाज पर इसे मुहर अगर वो कहते हैं तो क्यों आप इसको नकारेंगे? देखिए, आपने नाम तो रख दिया कमल टी स्टॉल, लेकिन एक हकीकत जान लीजिए, 68,470 छोटे बड़े बागान हैं, 60 लाख से ज्यादा वहां पर टी स्टेट में कर्मचारी काम करते हैं और उनके मुश्किलात को पिछले 40 बरस से कोई समाधान नहीं हो पाया है। ही नहीं समाधान। समाधान क्यों नहीं है? लेकिन आपको उनके साथ जुड़ना होगा। आपको उनके न्यूनतम जो मजदूरी होती है उससे लेकर जो टी स्टेट का जो संकट है वो दुनिया में भारत की चाय जाती है। दार्जिलिंग आपके पास कौन सी टी है? असम टी है कि दार्जिलिंग टी है? असम टी है, पिलाइए जरा। ये ऐसे ही रखे हैं, कुछ पिलाएंगे ना? दो असम टी दे दीजिए। ये एक ऐसी जगह है जहां पर फोकस करना होगा। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स का वहां पर आना, ये एक बहुत बड़ा विषय रहा है, मुद्दा रहा है, और इसको एनकैश करने में बीजेपी कामयाब रही है। ये आप सही कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से सोनोवाल जिस आंदोलन से निकले, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे, वहां से उन्होंने शुरुआत की महंता के साथ खड़े हुए और आज बीजेपी के साथ आकर खड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल शॉक है ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व और ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स दोनों आकर सोनोवाल इस बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जब देखिए पहुंचे तो उन्होंने पांचों राज्यों के वोटरों को बधाई दी, असम पर केंद्रित नहीं। वो समझ रहे हैं कि असम कितना जटिल है, कितना मुश्किल है। बिल्कुल, पहले हम अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं, सुना देते हैं। प्रधानमंत्री जब आज बीजेपी दफ्तर में गए तो तमाम दिग्गज बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम मंत्री, गृह मंत्री से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर, सब वहां पर मौजूद थे, वित्त मंत्री। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस जीत को एक बहुत बड़ी जीत के रूप में पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है। जापी, जो ट्रेडिशनल एक पारंपरिक टोपी है जो आसाम में पहनी जाती है, वो पहने, और अंगवस्त्र भी, फूलमाला भी, गुलाब की पंखुड़ियां भी। क्या कहे इस बीच प्रधानमंत्री, सुनिए। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना वो कई लोगों के लिए वैसा ही आश्चर्य है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है। इस चुनाव परिणामों से ये साफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो विचारधारा है, सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव लाने का जो अथक प्रयास है, उसको देश की जनता भली भांति सराह रही है, स्वीकार कर रही है और समर्थन कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह, उनकी पूरी टीम, प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उनकी टीम और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के नतीजों के बाद असम की चाय में चीनी कम है या ज्यादा है? देखिए, चीनी कम जो है इश्क का प्रतीक हो गया है भारतीय समाज में जब से फिल्म आई है। लेकिन मोदी या बीजेपी या आरएसएस के लिए जैसे ही आप असम टी की बात करेंगे, चीनी आपको माइनस करनी पड़ेगी, जूट आपको माइनस करना पड़ेगा। और अब जो मुश्किलात आने वाली है सामने, वो मुश्किलात ना कहें, चुनौती कहें, और इस चुनौती के आईन में इस जीत का महत्व आप कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार की गवर्नेंस जब थक रही थी, हांफ रही थी, तब असम की जीत ने ऐसा ऑक्सीजन भरा है
जो आपने दिखा दिया अभी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी मंच पर चढ़ गए, फूल की पंखुड़ियां भी बिखर गई और क्या क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक राज्य का सवाल है, एक राज्य का सवाल है, लेकिन बीजेपी के लिए जबरदस्त मिठास है तो कांग्रेस के लिए बहुत कड़वाहट है, उनके लिए हजम करना मुश्किल होगा। दो दो राज्य हाथ से निकल गया है, पुडुचेरी का एक कॉन्सोलेशन प्राइज बस मिला है। पहले देख लीजिए असम की ये जीत कितनी बड़ी जीत। असम में पहली बार कमल खिला तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल गए। बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने की खुशी में कार्यकर्ता झूमने लगे। होली से पहले होली हो गई, दिवाली से पहले दिवाली। असम में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी में लगातार तीन बार से सत्ता में बैठी कांग्रेस जमीन से उखड़ गई। नतीजे आपके सामने हैं। असम में इतनी बम्पर जीत के बाद बीजेपी का कलेजा गदगद हो गया। एनडीए गठबंधन को जो भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बोडोज को लेकर बना था वहां पर, उसको भारी सफलता मिली है। दो तिहाई बहुमत से वहां जनादेश मिला है। स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना पाए, इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं। पहली बार आसाम में हमारी सरकार बन रही है और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग इससे काफ़ी मजबूत होंगे। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट एक समय कांग्रेस का गढ़ था, अब कांग्रेस लगभग आसाम के साथ नॉर्थ ईस्ट से समाप्ति के कगार पर खड़ी है। बनारा चाय वाला, चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर असम में चाय वाले नेता का जादू चल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया तो अमित शाह ने मोदी की लहर को सही रणनीति के जरिए जमीन पर उतारा। नतीजा बम्पर जीत के साथ बीजेपी ने असम का किला फतह किया। उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छे समाचार है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे आनंदित हुआ है। असम में सर्वानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, उसमें हेमंत विश्व शर्मा सहित सभी प्रमुख नेता मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे। असम की जनता ने जिस आशा से, जिस विश्वास से भाजपा को यह हिस्टोरिक मैंडेट दिया है, उसको पूरा करने में सफल करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बम्पर प्रचार और अमित शाह की रणनीति के अलावा असम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका रही बीजेपी के सीएम प्रत्याशी सर्वानंद सोनवाल की। सर्वानंद सोनवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी जीत दिलवाई थी। विधानसभा चुनाव में भी सोनवाल जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। असम की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन उन्होंने संभव किया। दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में करारी हार से जो जख्म बीजेपी के सीने पर लगा था, वो असम की जीत के साथ थोड़ा भर गया। यही वजह है कि सिर्फ असम ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार हमारा बीजेपी सरकार आएगा, हमारा देश में परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आज मना रहे हैं? हाँ, बहुत बिहू मना रहे हैं। हमारा आज से बिहू शुरू हुआ है, पूरा 5 साल तक पूरा शुरू होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चाय बांटी जा रही है, लोगों में उत्साह है, समर्थकों में उत्साह है, सेलिब्रेशन का समय है। सर्वानंद सोनवाल की जीत है, वही हेमंत विश्व शर्मा की जीत है और वही अमित शाह के साथ साथ नरेंद्र मोदी की जीत है। और इस पूरे प्रकरण में आप देख सकते हैं कितना उत्साह का माहौल। बीजेपी के लिए असम की जीत दोहरी खुशी देने वाली है। पहली बार बीजेपी को पूर्वोत्तर में पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाने का मौका मिला। बीजेपी की दूसरी खुशी इस बात की है कि उसने कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य की सत्ता छीन ली। गुवाहाटी में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली का तापमान कितना, तो राहुल गांधी के घर में इस बार तापमान कितना?
राहुल गांधी के तापमान की नहीं बात है, इस बार उनकी जमीन खिसक रही है। देखिए अंडरग्राउंड वाटर भी कम है और उनके अपने रूट्स भी धीरे धीरे इस रूप में कह रहे हैं, इंदिरा गांधी बनाती थी, राहुल गांधी विस्तार करने के चक्कर में बिगाड़ रहे हैं। ये एक बड़ी मुश्किल स्थिति आई है क्योंकि कांग्रेस बिना गांधी परिवार के है नहीं, और गांधी परिवार की मुश्किल ये है, यहीं देख लीजिए हेमंत बिस्वाल इसलिए चले जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी के पास मिलने के लिए वक्त नहीं। बिल्कुल, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अपने कुत्ते के साथ खेलते रहते हैं, बात करने के लिए जाइए तो मोबाइल में देखते रहते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प परिस्थिति है, आज बीजेपी वालों से बात कीजिए तो वो मोदी का नाम लेते नहीं थकते, और कांग्रेस वालों से अगर आज राहुल गांधी का नाम गलती से भी पूछ लीजिए तो सांप सूंघ जाता है। यकीनन, और हम आपको दिखलाते हैं कि दरअसल जीत का मतलब क्या होता है, जीत का रंग क्या होता है, उसका स्वाद क्या होता है और उसका गीत क्या होता है। जरा ये देखिए, असम में अगर कमल खिला है तो वो कितना बड़ा कमल है, 86 सीट, दरअसल पहली बार दस्तक। ये तीसरा प्रयास था बीजेपी का, इमरजेंसी के तुरंत बाद पहला प्रयास मुरारजी देसाई के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में दूसरा प्रयास, और मोदी के दौर में तीसरा प्रयास और 86 सीट। बिल्कुल, ये जबरदस्त कामयाबी है, और पूर्वोत्तर में इस तरह से अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना एक कम से कम बड़ी कामयाबी वहां पर मानी जा सकती है। लेकिन असम के बाद जरा पश्चिम बंगाल, अमित शाह ये जो नृत्य कर रहे हैं ये लुंगी डांस है क्या? अब ये लुंगी डांस हो जो भी हो, ये नहीं नहीं ये बिहू स्टाइल है, ठीक कह रहे हैं, हाथ पीछे रखा जाता है बिहू में और इसको कमर को हिला के पांव आगे बढ़ाया जाता है, ये बिहू स्टाइल है। बिहू स्टाइल है, रंग में रंग गए हैं, टोपी प्रधानमंत्री पहन रहे हैं, और इधर अब ममता बनर्जी की बारी है। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं मानती हूँ कि ममता बनर्जी ने आज जो कर दिखाया है और लेफ्ट पार्टी को नंबर 3 पर पहुंचा दिया है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी का 6 सीट वहां पर आना कहीं ना कहीं इन्हें ही फायदा कर गया है, एक जबरदस्त विक्ट्री मानी जाएगी। नारदा शारदा बड़ा बाजार का पुल सब धरा का धरा रहे। नहीं देखिए, नंबर 3 पे पहुंचाना भर नहीं है, ये ऐसा रिजल्ट है जिसमें आने वाले वक्त में लेफ्ट बंगाल में अब अल्टरनेटिव नहीं है, ये यहाँ से दफन हो गई, अब उसको नए सिरे से सोचना होगा, नए तरीके से खड़ा करना होगा, और कोई लीडर है ही नहीं लेफ्ट के पास ऐसा जिस लिहाज से आप मोहम्मद सलीम के आगे बढ़ पाए। आप हाँफने लगेंगे कि कोई नहीं है, बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, फिर मोहम्मद सलीम एक पहचान वाला चेहरा, उसके बाद किस चेहरे की दिशा में जाएंगे, कोई कैडर नहीं, लीडर नहीं, विचारधारा नहीं, अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम लोग जरा अब संदेश खाने चलें क्योंकि संदेश के टी स्टॉल से अब पश्चिम बंगाल की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो दरअसल असम के मुख्यमंत्री माना जा रहा है कि उनका बनना लगभग तय है, उनसे बातचीत की है, और ये भी बता दें 24-25 को प्रधानमंत्री जा सकते हैं स्वेयरिंग इन में। प्रधानमंत्री जरूर जाएंगे, वो मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि असम ऐसी जगह पे है जहां स्ट्रेटजिकली एक तरफ बांग्लादेश है, बर्मा है और नेपाल की हिस्सा है और उधर चीन का है, मैसेज देना चाहेंगे वहां पर खड़े होकर। सर्बानंद सोनोवाल क्या कह रहे हैं मनोज्ञा लोयवाल को सुनिए। सर्बानंद सोनोवाल इस समय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं, मुख्यमंत्री बन चुके हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है केंद्र सरकार से राज्य सरकार के अब मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कहिए? ये तो टैक्टिक का खेला है और मुझे लगता है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसी हिसाब से हमें ये मौका मिला है, और इस विषय पर हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया, मौका दिया, और असम की जनताओं ने जो मौका हमें दिया गया था उसी मौका को उन्होंने स्वीकार किया। कभी टेंशन था इस बात का कि अगर हारे तो क्या होगा, कांग्रेस अगर जीत गई तो क्या हो? ये तो हकीकत में अगर कहूँ तो ये स्वाभाविक है, चिंता तो रहता है, लेकिन मुझे असम की जनता के ऊपर बहुत विश्वास है, और खास करके हमारी जो टीम असम की इलेक्शन इंचार्ज राम माधव जी और हमारी प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और अजय जमाल जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, रामलाल जी, उन लोगों ने भी जो हौसला दिया, जो कार्यकर्ता ग्रास रूट बूथ कमेटी स्तर पर सब लोगों ने मेहनत किया, ये सब लोगों का मेहनत का नतीजा है। मिशन 84 पूरी तरह सक्सेसफुल, क्या कहें? हाँ, मैंने आपको शुरुआत से बोला था, मैं आज सुबह भी कई चैनल को मैंने बोला कि मिशन 84 में हमारे निगाहें अभी भी जमे हुए हैं,
तो इसलिए असम का जनता ने ये पूरा किया है। ये पहली बार होगा जब गोगोई के बाद या कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनेगी, बांग्लादेशी मुद्दे को कैसे डील करेंगे? हाँ, उसको हम डील करेंगे जैसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ असम अकॉर्ड। और एक एक बात जनता के नाम हो गया तुम्हारा, बात जनता के नाम, असम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वानंद सोनवाल जिन्होंने साफ किया कि इस बार जनता की जीत है, सिर्फ बीजेपी की नहीं। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज गलोईवाल, असम आज तक। जनता की जीत है, मुख्यमंत्री की जीत है, सोनवाल की जीत है, सोनवाल का नया राजनीतिक प्रयोग की जीत है, लेकिन आप जहां खड़े हैं वहां कुछ और है। मिठासी मिठास है। ममता बनर्जी चाहे सामने आए तो थोड़ी परेशान दिखे, लेकिन मिठाई ही मिठाई। आज आपका आपने जवाब सुना उनका, जब उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी का यूएसपी क्या है, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी। नहीं, यकीनन, क्योंकि राहुल गांधी जब तक सामने रहेंगे नरेंद्र मोदी का कद बड़ा रहेगा, ये सच है। हम लोग ले संदेश दीजिएगा, बंगाल का संदेश। हाँ, ये संदेश, हालांकि रसगुल्ला और ये क्या रखा आपने, ये मिष्टी दोई है। मिष्टी दोई भी है तो मीठी दही के बिना तो वहाँ खाना भोजन होता नहीं। लेकिन अंजना जी, बंगाल की त्रासदी जान लीजिए, हम लोग मिष्टी दही और संदेश में गुम हो गए हैं। बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ का सोशल इंडेक्स दुनिया के सबसे निचले स्तर के राज्यों में आता है, और ये एक ऐसा राज्य है जहाँ राजनीतिक प्रयोग 1945 में जो सूखा पड़ा था, फेमिन आया था, उसके बाद से आज भी वही 2 रुपए चावल और उस समय 25 पैसे का चावल। लेकिन गांव में उन्होंने पहुंचाया, क्या उसको आप सिरे से नकार रहे हैं? सवाल गांव में लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया है और वोट किया है, कुछ नहीं कहता वो? ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो गुंडागर्दी वामपंथियों की थी, उस गुंडागर्दी को अभी भी महसूस करते हैं 30 बरस बाद भी वहाँ के लोग, और उन्हें लगता है कि उस गुंडागर्दी से राहत मिली है ममता की जीत के जरिए। बंगाल का संघर्ष, बंगाल की चुनौती, बंगाल की जीत, ममता बनर्जी की जीत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। संदेश की मिठास अब भी मुंह में है, यकीनन, और मिठास तो है बंगाल में, उसकी भाषा में मिठास है। देखिए, बंगाल को लेके बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई। एक वक्त कहा गया था इसको, इस शहर को, कि ये दुनिया का ऐसा शहर है जो वाकई पहले सोचता है। राजीव गांधी पहुंचे तो डेड शहर के तौर पे पहचान बना दी। अलग अलग तरीके से बंगाल का चित्रण हर किसी ने किया है, लॉर्ड वायसराय ने भी अपने तरीके से बंगाल को देखा था, लेकिन ममता ने जो लकीर खींच दी है, मेरे ख्याल से भारत में वामपंथी राजनीति के लिए ये एक ऐसी जमीन है जिसमें अब वामपंथियों को सोचना होगा कि उन्हें वापस लौटना है या फिर आगे देखना है। लेकिन फिर भी वापस जो आप पहले कह रहे थे उस पर जाते हुए, क्या ये ममता बनर्जी की इस बार जीत है दूसरी बार, या एक बार फिर वामदलों की हार ही है, उस गुंडागर्दी की हार? 2011 में ममता बनर्जी जीती थी, 2016 में वामपंथी विचारधारा CPI और CPM के जरिए खत्म हुई है, और कॉम्पिटिवली कहीं ज्यादा वामपंथी होकर ममता बनर्जी ने अपने आप को पेश कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये जीत का शंखनाद है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ऐसी आंधी चली जिसमें बाकी पार्टियों के अरमानों पर बारिश पड़ गई। जीत की खुशी के रंग फिजाओं में छा गए, सड़कों से लेकर चेहरों तक हरे रंग की हरियाली छा गई। कि दुर्गा माँ के आने की जिस तरीके से आह्वान, काफी बार बारिश तो होती है तो माँ चली आई है, और जो विपक्षी नेता है सूर्यकांत मिश्रा, लोगों का कहना है कि सूर्यास्त हो चुका है, हरे रंगों में यहाँ लोगों को लगने की जो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। ऐसी प्रचंड जीत की खुशी ममता बनर्जी के समर्थकों के चेहरे पर छाई हुई थी, सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। ममता बनर्जी की सुनामी में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां डूब गई। डूब गया किसका सूर्य डूब गया? बहुत दिन से डूब गया, पहले का सूर्य डूब गया, बम्बर का डूब गया, डूब गया वामपंथियों का सूर्य डूब गया। धंधा धंधा कूल कूल दीदी की बाबानी अच्छी दीदी दीदी की दीदी का आशीर्वाद है ये। इतनी बम्पर जीत से कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद थे। जीत की खुशी बांटने हजारों कार्यकर्ता ममता बनर्जी के घर पहुंच गए।
यहाँ के जो लोग हैं वो खुशी मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। पूरा ये काली घाट का ये चौराहा है, आप देख सकते हैं कि जगह जगह शरबत बांटे जा रहे हैं, जगह जगह लोग जो है मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इस पूरे इलाके में ये खुशी का रंग, ममता बनर्जी का रंग छाया हुआ है। जो ममता बनर्जी के सपोर्टर्स हैं अपनी दुकानें बंद करके घरों से निकल आए हैं। कुछ दुकानें यहाँ पर हैं जो मुफ्त में मिठाई बांट रही हैं। आज बहुत ही मुझे खुशी है कि मैं इलेक्टेड हूँ ये जगह से, यहाँ का सब मुझे इलेक्ट किए हैं। और अभी मेरा एकमात्र लक्ष्य है, मैं पहले तो दीदी से मिलूंगी, उसके बाद हम लोग काम चालू कर देंगे इमीडिएटली, कोई टाइम वेस्ट करने का नहीं। इस प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी घर से बाहर आई तो थोड़ी भावुक भी हो गई। ममता ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया तो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को उनकी सबसे बड़ी भूल बताया। आज तक के साथ बातचीत में ममता ने राहुल के बहाने नरेंद्र मोदी पर भी चुटकी ली। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा यूएसपी तो राहुल गांधी है, और कुछ हम नहीं कहने चाहूंगे। अभी बेहद सादे ढंग से रहने वाली और अपने विरोधियों पर कहर बनकर टूट पड़ने वाली ममता बनर्जी ने दोबारा पूरे पश्चिम बंगाल का भरोसा जीता है। साथ ही पश्चिम बंगाल की इस शेरनी की दहाड़ के आगे उनके सारे सियासी विरोधी तिनकों की तरह उड़ गए। स्मिता शर्मा के साथ बालकृष्ण, कोलकाता आज तक। अब हम पहुंच गए हैं अम्बा इडली सांबर सेंटर पे। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि तमिलनाडु में जयललिता ने जो जीत हासिल की है, कम से कम एग्जिट पोल वाले तो आज मुंह छिपा रहे हैं। देखिए, अम्मा की ये खासियत है, उसने ग्राइंडर फ्री में दे दिया, उसने फ्रिज छोटा सा फ्री में दे दिया, बात चली थी साइकिल और चावल से, लेकिन अब होते होते मोबाइल फ्री में देने की बात हो रही है, घर देने की बात हो रही है, नौकरी देने की बात हो रही है, युवाओं को लुभाने का जिक्र हो रहा है। तो हर वो चीज़ जो किसी को भी चाहिए, यानी एक वक्त जो वेलफेयर स्टेट के नाम पे कामराज ने मिड डे मील का प्रयोग किया था, वो किसे पता था कि अम्मा के आते आते आपके घर के भीतर जो सारी चीज़ें हैं इसमें मत डालिएगा, आपने उसको डाल दिया ना बिना। ये एक्चुअल में तमिलनाडु में जो डोसा खाया जाता है उसमें आलू नहीं मिलाते, ये पंजाबीकरण है, ये पंजाबीकरण है, हम तमिलनाडु के करण है। हम तमिलनाडु के तमिलनाडु के अच्छा अच्छा हमारी पत्नी वहीं की है, इसलिए हमें ये पता है, घर घर वाला अनुभव है आपको, घर वाला अनुभव, तो इसमें ये लाया नहीं जाता है इसको, तो ये क्यों ना एक और यहाँ डाल दीजिए जिसको मैं फिर बिना आलू का। लेकिन ये अपनी रिपोर्ट दिखाने से पहले ये जो तमाम बातें आप कह रहे हैं ये किसने नहीं किया? करुणा निधि ने तो साल दर साल नीतीश का और बाबू का फॉर्मूला अपना रहे थे, कहा कि सबसे पहले दस्तखत करूंगा लिकर बैन। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और हर किसी ने वोटर ज्यादा है, हर किसी ने किया है, हर किसी ने किया है। और ये हम आपको बता दें कि लगभग 4% वोट का अंतर है महिलाओं का जितना करुणानिधि को मिला है, 37% से उधर 41% मिला है, ये स्थिति है। तो ये कहीं ना कहीं महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं, इससे कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी तमिलनाडु के पर्यटन स्थल पर चाहिए, सुबह सुबह आपको इडली बेचते हुए महिलाएं नजर आ जाएंगी, वो डब्बे में लेकर आती हैं घर में बना के, और वो तकरीबन 5 रुपये का देती हैं जिसमें 7 इडली रहती है, आप खाइए फर्स्ट क्लास, उनको कुछ फ़ायदा होता है, लाभ होता है। अच्छा, बिजली भी फ्री कर दिया, यानी ग्राइंडर जो चलेगा उसकी बिजली भी फ्री में है, उसका आटा चावल जो है वह भी फ्री में है, ग्राइंडर भी फ्री, तो एक थोड़ी सी मेहनत और कमाई का रास्ता। ये स्वावलंबन जो है ये कभी आरएसएस ने सोचा होगा, लेकिन वो इसीलिए द्रविड़ राजनीति में कभी भी एंट्री नहीं हो पाई। चलिए, हम जब तक ये डोसा खाएं तब तक आप देख लीजिए असम की चाय। संदेश तो हम खा चुके, मिष्टी दोई, अब डोसे की बारी है। जयललिता अम्मा की बहुत बड़ी जीत ये कहलाएगी क्योंकि हमेशा वहां पर इनकम्बेंसी फैक्टर कामयाब। एक चीज और बता दें, एमजीआर भी ऐसी जीत हासिल नहीं कर पाए जो अम्मा ने किया, इसलिए एमजीआर को दूध से नहलाया जरूर जा रहा था, लेकिन अम्मा का कद लगातार 2 बार जीतने का ये पहली बार है। देखिए, ये अम्मा की जीत का उद्घोष है। जयललिता के दीवाने नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, हर कोई अम्मा के रंग में रंगा है। ये जीत ऐतिहासिक है क्योंकि 1989 के बाद तमिलनाडु में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में बरकरार रहने का रिकॉर्ड बना पाई है।
इसके साथ ही जयललिता ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो तमिलनाडु की राजनीति की सशक्त धुरी है। आप देख रहे हैं, ये है जयललिता जी का घर और उनसे मिलने वालों का तांता लगा है। यहाँ पर थोड़ा सा एलिवेशन पे आना पड़ेगा, ये बैरियर है, रोक रखा है, लेकिन ये मिलने वालों का तांता लगेगा। हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ के लड्डू एक हाथ में भरे हुए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, अम्मा इज वन फाइनली? फाइनली अम्मा इज वन, व्हाट डू थिंक अबाउट अ विन? अम्मा विन लटेले। देखिए भाषा का थोड़ी दिक्कत है, लेकिन दो शब्द साफ है, एक अम्मा और दूसरा विन, यानी जीत और अम्मा की जीत। अम्मा को ऐतिहासिक जीत की बधाई देने वालों का तांता लगा है। अम्मा के सामने हर कोई नतमस्तक हो रहा है। इस जीत के साथ जयललिता छठी दफा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। माय पार्टी एंड आई आर इंडेटेड टू द पीपल ऑफ तमिलनाडु फॉर गिविंग अस दिस हिस्टोरिक विक्ट्री। इट इज ट्रूली हिस्टोरिक बिकॉज आफ्टर 1984 नो रूलिंग पार्टी in the state has been able to win the elections and form the government a second successive time. विपक्ष ने जयललिता को आम लोगों की पहुंच से दूर और अधिनायकवादी नेता करार देते हुए भले ही निशाना साधा हो, लेकिन लोगों के बीच उनकी छवि धूमिल नहीं हुई। उन्होंने अम्मा कैंटीन जैसी कल्याणकारी योजनाओं से राज्य के आम लोगों के बीच अपनी पैठ मजबूत की, तो निवर्तमान सरकार में शुरू की गई लुभावनी योजनाओं ने नतीजे जीत में तब्दील कर दिए। मसलन राशन कार्ड धारकों को 20 किलोग्राम चावल, मुफ्त मिक्सर ग्राइंडर, दुधारू गाय, बकरियां बांटी, तो मंगल सूत्र के लिए 4 ग्राम सोना दिया गया। जयललिता ने सत्ता में वापस आने पर इसे बढ़ाकर 8 ग्राम करने का वादा भी किया। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मोबाइल फोन बांटने का भी वादा किया। अम्मा आगे जो भी बोला पूरा करके दिया, सब घरों में है, टीवी है, फ्रिज है, चान है, फ्री चावल डाल रहा है अम्मा, 1 लाख रुपए शादी को दे रहा है, सोना दे रहा है, पढ़ने के बच्चों को साइकिल दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, इसलिए अम्मा को सब भी चाहने वाले हैं। मैं एक ही बात इस तमिलनाडु को बोलना चाह रहा हूँ, इस पूरा तमिलनाडु को मेरा मान है ऊपर लेके आ सकता है, इस तमिलनाडु को अच्छी तरह से पूरा पूरा आदमी लोगों सब कुछ का फायदा कर सकता है। अम्मा को हराने के लिए करुणानिधि की पार्टी डीएमके ने कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाया, लेकिन अम्मा की लहर को दोनों मिलकर भी नहीं रोक पाए। अब अम्मा जश्न मना रही है और करुणानिधि के घर सन्नाटा पसरा है। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि ये डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि का घर है। 92 साल के एम करुणानिधि, उनको उम्मीद थी कि उनकी पार्टी इस बार AIADMK को हराकर तमिलनाडु की सत्ता पे काबिज होगी, लेकिन AIADMK ने अप्रत्याशित तौर पर जीत दर्ज की है। यहाँ पर देखें आप, जरा इस तस्वीर को देखें आप, ये पूरे घर को देखें, यहाँ पे ना शोरगुल है, ना लोगों की भीड़ है, ना मिठाइयाँ हैं, ना पटाखे हैं, एक रंगोली जो सुबह बनाई गई थी वो है, मायूस से ऊपर देखें तो मायूस से मुरझाए चेहरे, ये कहा जाए कि ये लोग पूरी तरह से शोक स्तब्ध हैं, तो अतिशोक्ति नहीं होगी। पुर्ची तलैवी यानी एक क्रांतिकारी नेता, जी हाँ, 68 साल की जयललिता के समर्थक उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। AIADMK सुप्रीमो ने चुनौतियों के बावजूद मजबूती से खड़े रहने की अपनी एक छवि बनाई है। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें 2 बार पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने वापसी भी की। आज जयललिता की पार्टी के दफ्तर पर MGR की मूर्ति को दूध से नहलाया गया, तो इसलिए क्योंकि सियासत के पटल पर जयललिता को मजबूती से खड़े करने वाले MG रामचंद्रन ही थे, यानी वो जयललिता के राजनीतिक गुरु थे। MGR उस दौर के हीरो थे। जयललिता की जोड़ी MGR के साथ ऐसी जमी कि हिट फिल्मों की फेरिस्त बढ़ती चली गई, और जब MG रामचंद्रन ने DMK से अलग होकर ADMK बनाई तो जयललिता को नई पार्टी में भी ले आए।
प्रचार सचिव के तौर पर एडीएमके में अपनी भूमिका निभाने वाली जयललिता को एमजीआर की पार्टी में विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन एमजीआर जयललिता के हाथों में पार्टी का भविष्य देखते थे। 1987 में एमजीआर के निधन के बाद जयललिता ने एडीएमके के एक धड़े का नेतृत्व किया। 1989 में इस धड़े ने 27 सीटें जीती तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी। कहा जाता है कि उस वक्त सदन में किसी ने उनकी साड़ी खींच ली थी। इसके बाद अम्मा ने सौगंध खाई थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही विधानसभा लौटेंगी। जयललिता अब छठी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। चेन्नई से निशांत चतुर्वेदी के साथ आज तक ब्यूरो। तो तमिलनाडु का डोसा, और डोसा खाने में खो ही गया आप। यकीनन देखिए, नॉर्थ इंडियंस कोई भी जाता है जब साउथ में, तो डोसा ही एकमात्र चीज है जिसको वो अपने सबसे करीब पाता है, क्योंकि इडली का कोई नया प्रयोग कर नहीं सकता है, बड़ा का कोई नया प्रयोग किया नहीं जा सकता है। डोसा ही एक ऐसी चीज है जिसमें पंजाब में आलू मिला दिया गया, दिल्ली में तो किशमिश तक डाल दिया गया। जितने फाइव स्टार में आप जाइए, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन सर्व करते हैं तो डोसा ही है, और खूब लोग खाते हैं। एक चीज और बताएं आपको कि दरअसल ये जो नारियल की चटनी हम लोग ले रहे हैं, तमिलनाडु में सारी चीजों में नारियल जरूर डाला जाता है, जिस भी चीज को खाते हैं। और जयललिता ने एक अच्छा निर्णय लिया, शराबबंदी कर दी। तो शराबबंदी के साथ महिलाओं के साथ जो रोजगार जुड़े हुए थे उसका लाभ ये हुआ कि दरअसल नारियल के ऊपर में दो तरह के नारियल होते हैं, एक में तो सीधे रस मिलता है, एक में ऊपर ब्राउन कलर का रहता है, उसमें आप अगर बिहार में देखिएगा तो ताड़ी या कुआ जो सुबह निकाला जाता है पिया जाता है, वैसा ही कुछ एक हल्की सी रहती है। वो केरल और तमिलनाडु में अब उसके मांग बढ़ गई है, लोग उसी को पीते हैं, उसी में हल्का सा एक नशा, चूँकि वो उसका वो कह सकते हैं आपकी फर्टिलाइज कर जाता है वो, तो उसका एक हल्का सा नशा होता है। हम लोग ये खा रहे हैं तो ये भी फर्टिलाइज किया हुआ है, इसके बाद नींद बड़ी शानदार आती है। मैंने ये सब जो है क्योंकि रात भर फर्मेंट करने के बाद ही बनता है, बिल्कुल, तो उसके बाद ये चीजें बनती हैं। अगर डोसा हो गया तो जरा चल के आंकड़े दिखा दे अपने दर्शकों को कि तमिलनाडु में किस तरह के आंकड़ों के साथ जयललिता आ रही है, क्योंकि कम से कम एग्जिट पोल तक कई लोग मान रहे थे कि करुणानिधि, हालांकि स्टालिन का नाम बहुत बाद में लिया उन्होंने। नहीं, हमें लगता है कि तमिलनाडु में एक वहां भी लोग क्रिटिकल हैं, एक अल्टरनेटिव चाहते हैं, लेकिन जब सामने करुणानिधि ही है, वही चेहरा है जो आज का स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, एमजीआर से पहले के दौर के स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो अगर स्टालिन को पहले ये ले आए होते, ऐलान कर देते, शायद उसका कुछ लाभ मिलता। लेकिन यह भी समझना होगा कि जयललिता लोगों के घरों के रसोई घर और उनके तिजोरी और शादी विवाह से जुड़ गई है। 5 ग्राम सोना तक दिया जा रहा है, सोना चाहिए चलिए सोना ले लीजिए, तो इसका मतलब यह है कि सत्ता ने अपने आप को लोगों के दिलों से लेकर पेट से लेकर घर में बसा लिया, अब आप कैसे उसको बेदखल। और आज जब जयललिता सामने आई तो उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद की राजनीति का अंत है, ये ट्विस्ट दिया। ये देखिए, ये बोलने की हिम्मत बीजेपी में नहीं हुई, लेकिन जो बात का जिक्र कर गई वो ये वाकई बहुत बड़ी चीज है जो आज उन्होंने जिक्र कर दिया। और इसीलिए जरा आपको दिखा देते हैं क्या कहते हैं तमिलनाडु के नतीजे, बहुत दिलचस्प है देखना, क्योंकि यहाँ पर अम्मा का फिर से सिक्का चला है और फिर से उनकी सरकार बनी है। चाहे बाढ़ की भी ऐसा जिसको रोका जा सकता था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट की वजह से जिस तरह की परिस्थितियां चेन्नई में बनी थी, ये देखिए 134 सीटें 97 पर डीएमके का सिमट जाना अपने आप में बड़ी कामयाबी। और इनके डांस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, डांस तो ठीक है, ये खुद सिनेमा से आई हुई है और उस पीरियड का डांस आप देखिएगा तो ये डांस बड़ा ही हल्का लगेगा, क्योंकि जयललिता की खूबसूरती, उनका नृत्य, ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती है, और एमजीआर ऐसे ही आशिक इनके नहीं हुए। लेकिन हम दूसरा हिस्सा आपको बताना चाह रहे हैं कि दरअसल पहली बार किसी द्रविड़ पार्टी को जयललिता के जरिए एहसास हुआ होगा अगर जनता दोबारा चुन के ले आ सकती है तो अब उसे काम करना है, इसीलिए वो हर बात को जिक्र कर रही है कि हम नंबर वन पे होंगे। ये ग्राफिक्स अब केरल तक पहुंच गए, केरल की तस्वीर देखिए, अब केरल में 84 सीटें, ये एक और हाथ से निकल गया कांग्रेस के। कांग्रेस में तो हमने बात ही नहीं, कांग्रेस का क्या हाल कर दिया है इन चुनावों ने। नहीं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, कांग्रेस के लिए बहुत नेगेटिव स्थिति है, लेकिन एक दूसरी स्थिति भी समझिए कि वामपंथियों में 93 के हो चले हैं, 92 ईयर्स 8 महीने अच्युतानंद, अब वो अगर उनका ग्लैमर अगर लोगों में बरकरार है, और खास तौर से केरल जैसे जहां पर 100% साक्षरता है, बेरोजगारी 16.5% है जो देश में सबसे ज्यादा है एक लिहाज से कह सकते हैं, बूढ़ों का राज्य हो गया है, बच्चे सारे चले जाते हैं कुवैत नौकरी करने या वहां से निकल गए हैं, नर्स आपको हर हॉस्पिटल मिल जाएगी,
अब केरल को ये किस रूप में अपने आप खड़ा करते हैं अच्युतानंद के सामने, यह भी एक बड़ी चुनौती है। एक सीट बीजेपी, एक सीट बीजेपी, ये बहुत दिलचस्प है। आइए आपको जरा लिए चलते हैं केरल में। तो अगर आप जाएंगे तो केरल के लिए तो सबसे ज्यादा मशहूर नारियल पानी और नारियल है, जिसको आप जितने भी इलाकों में आप चले जाएं आपको बहुत सारे पेड़ दिखेंगे। लेकिन बड़ी तस्वीर अगर बीजेपी के नजरिए से आप देखिए तो बीजेपी को एक सीट मिलना तो खैर छोड़ दीजिए, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन वोट परसेंटेज में इजाफा होना बीजेपी के लिए कुछ ऐसा संकेत है जिससे अब लगता है कि जो हिंसात्मक परिस्थिति है केरल में, ये दिक्कत है वो संघ का वहां पर जमीन पर होना। ये आपने संघ, ये बहुत, संघ का बहुत महत्वपूर्ण बात कही। संघ के सबसे ज्यादा शाखाएं जो हैं वह केरल में है। कुन्नूर उनके उस प्रयोगशाला के तौर पे जाना जाता है जहां सीधे वायलेंस होता है। आज भी चुनाव परिणाम के तुरंत बाद सीपीएम दफ्तर पर हमले हुए, स्वयंसेवकों ने हमले किए, इसका आरोप लगाने के लिए प्रकाश करात को बाहर निकलना पड़ा। एक कैंडिडेट जो जीता है सीपीएम का वो घायल हो गया, एक व्यक्ति मारा जा चुका है केरल में। ये वायलेंस है वहां का। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लाल रंग जो है वो बदलाव का प्रतीक नहीं बल्कि हिंसा का भी प्रतीक है, उस खून का प्रतीक भी है, कम से कम केरल की पॉलिटिक्स। बिल्कुल, तो दो नारियल पानी दे दीजिए भैया, क्योंकि नारियल पानी के साथ ही हम जरा केरल की भी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि हम जो मार्क्स वहां पर आए हैं। लेफ्ट के लिए अच्छी खबर तो कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर वहां से आती हुई, और अच्युतानंदन जिसका जिक्र पहले भी हो रहा था इस उम्र में, दीजिए उन्हें, लीजिए लीजिए लीजिए। ज्यादा लोग पानी लेते हैं या ज्यादा लोग इसका मलाई लेते हैं? पानी भी लेते हैं, मलाई भी लेते हैं। मलाई लोग निकालना चाहते हैं ज्यादा। और देखिए वहाँ केरल का, ये अभी दिल्ली में तो हर कोई सड़क पर ये पीता है, लेकिन इन सब के बीच जो स्वाद कांग्रेस पार्टी को वहाँ से आई है वो बहुत ही खराब। अच्छा, करने पानी गर्म है? गर्म, गर्मी बहुत हो रही है ना दिल्ली की गर्मी। दिल्ली की गर्मी, पॉलिटिकल गर्मी, और इसमें नारियल पानी भी। नारियल का पानी ठंडाहट पहुंचाता है, इसका मिजाज ठंड वाला है कि अंदर में आपको मिजाज ठंडा कर देता है। लेकिन दिलचस्प है, पश्चिम बंगाल में आप साथ लड़े, यहाँ पर आमने सामने लड़े और यहाँ पर वाम दल निकल। नहीं, ये फर्स्ट टाइम है लेफ्ट सोच रहा है कि उसका राजनीतिक प्रयोग कहीं गलत तो नहीं है अगर वो कांग्रेस के साथ आए। लेफ्ट को सोचना पड़ रहा है क्योंकि लेफ्ट का कैडर इतना प्रतिबद्ध होता है कि वह कांग्रेस के कैंडिडेट्स को वोट दे देगा, लेकिन कांग्रेस का कैडर या वोटर कभी भी लेफ्ट की तरफ नहीं जाएगा। ये बड़े वैचारिक, अब उसको समझ में आ रहा है कि बंगाल में उसने गलती की है, ये सोच रहा है वो, ये सोच रहा है। रिपोर्ट देखिए केरल की। कांग्रेस का किला ढहाने के बाद केरल में लेफ्ट अपनी जीत का जश्न मना रहा है। 5 साल बाद बाजी पलटकर लाल सलाम फिर से जिंदाबाद हो रहा है। इस जीत के पीछे अगर किसी की मेहनत, लगन और छवि का बखान किया जाए तो वो हैं वीएस अच्युतानंद। 92 साल की उम्र है लेकिन कहते हैं कि उनके अंदर आज भी 20 साल के युवा जैसा जोश है। इस चुनाव में अच्युतानंद केरल के कोने कोने तक पहुंचे हैं। जी हां, 92 साल के वीएस अच्युतानंद ने करीब 70 रैलियों को संबोधित किया, रोजाना औसतन 200 किलोमीटर की यात्रा की। केरल में एलडीएफ यानी लेफ्ट को जीत दिलाकर अच्युतानंद मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार भी हैं। इट इज वेरी क्लियर दैट द पीपल ऑफ केरला हैव गिवन अ रिजाउंडिंग विक्ट्री टू द एलडीएफ एंड दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द 5 इयर्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द एलडीएफ। इवन एज द ऑपोजिशन वी प्रपोज सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स टू द करप्ट चांडी गवर्नमेंट and people of Kerala are looking forward to the alternative policies of the LDF for a corruption free Kerala, for a Kerala which is devoted to the cause of the people, and that is what the LDF is going to provide. केरल में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल चुकी है। लेफ्ट की आंधी में कांग्रेस अपनी हार कबूल कर चुकी है। पिछली बार एलडीएफ को हराकर केरल पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार अच्युतानंद के तजुर्बे के आगे ओमान चांडी सरकार को बचाने में फेल हो गए। मैच तो खत्म नहीं हुआ, पिक्चर और भी बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेंड्स अच्छे नहीं है हमारे। फिर भी मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर के एस शबरीनाथन, जो अरविकरा कंस्टिट्यूएंसी मेरे जिले में जीत के आए हुए हैं। हमारे जवान नेताओं तो बिल्कुल आगे आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में कांग्रेस के ये बहुत अच्छी बात होगी कि आइंदा अगर हम अपोजिशन में रहें, हम जवान लोगों के साथ अपोजिशन में रह के हम कल के बारे में सोचने की राय की राजनीति करेंगे। दिस इज अनएक्सपेक्टेड वर्डिक्ट बट वी एक्सेप्ट बिकॉज़ इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम
The decision of the people is the final. The last 5 years, we did everything and we kept our all the promises. But the decision, the people's verdict is against UDF. केरल में खाता बीजेपी का भी खुला है और इसका जश्न पार्टी के दफ्तर पर मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि केरल में आरएसएस काफी एक्टिव है। कहा जा रहा है कि अपर कास्ट वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। यही वजह है कि दक्षिण भारत की इस राज्य में बीजेपी ने खाता खोला है। लेकिन पार्टी को पूर्व क्रिकेटर श्रीशांत से काफी उम्मीदें थी। बीजेपी ने उन्हें तिरुवनंतपुरम से टिकट दिया था, लेकिन श्रीशांत बुरी तरह से हार गए। Resist the emergence of BJP here in Kerala. But the people think that it is not a correct attitude. So they voted a considerable vote share the BJP has gained in the Kerala election. पांच राज्यों में चुनाव का स्वाद हमने तो ले लिया और अब नए नए स्वाद हैं क्योंकि लेफ्ट को चिंतन मनन करना है, हाँ। कांग्रेस को फैसले लेने हैं, बीजेपी को चुनौतियों का सामना करना है और ममता को दिल्ली में दस्तक देनी है। आप देखते रहिए आज तक।